नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। और आज दिन भर की खबरों की बात करें तो सबसे पहले बात कोरोना अपडेट्स की। आज जिले में 67 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 83 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जिला भर से अभी तक 62,050 सैंपल्स लिए गए हैं, जिनमें से 5,004 कोविड-19 पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं और जिनमें से 4,527 नागरिक स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 26 मरीज कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल जिले में 451 एक्टिव मरीज हैं, इनमें से 26 विभिन्न अस्पतालों में, 44 जिला कोविड केयर सेंटर में एडमिट हैं, जबकि 381 मरीज होम आइसोलेट किए गए हैं। आज जिले में जो 67 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, उनमें से 26 रेवाड़ी शहर से, 9 धारवीड़ा, 7 बावल, 3 रोहड़ाई, 2 नहाड़, सारनवास व गढ़ी और एक एक मरीज असदपुर, बालावास अहीर, ढोकी, हजारीवास, जाटू साना, कालूवास, खिजूरी, लाखनोर, मोहदीपुर, सांजरवास, सुमोखेड़ा, टाकड़ी, कसोला, खरखड़ा, खटावली, मीरपुर, राजगढ़ व रामगढ़ से संबंधित है। इसके साथ ही जो 83 मरीज स्वस्थ हुए हैं, उनमें से 81 रेवाड़ी शहर से, 17 धारवाड़ा से, 7 बावल, 2 गुमीना, खरखड़ा, बांसदूधा, गुरावड़ा, नहाड़, भाड़ावास व सुठानी और एक एक मरीज मोदीपुर, डूंगरवास, टांकड़ी व आसिया की से संबंधित है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल बावल में रहेंगे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल 21 सितंबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच गांव भगवानपुर और खातीवास गांव में नवनिर्मित विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और जनता की समस्या भी सुनेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह रेवाड़ी में कृषि विधेयक को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। रेवाड़ी के जिला सचिवालय के सामने कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है पूर्व कप्तान अजय सिंह यादव, उनके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। NH-48 पर खरखड़ा गांव के पास फुट ओवर ब्रिज का काम शुरू हुआ। दिल्ली जयपुर हाईवे पर रेवाड़ी के कई इलाकों में फुट ओवर ब्रिज ना होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और सड़क हादसे हो रहे थे, जिसके बाद हाल में ही केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ये जानकारी दी थी कि जिले से निकलने वाले NH-48 पर 4 जगह पर फुट ओवर ब्रिज का काम जल्द शुरू किया जाएगा और अब खरखड़ा गांव के पास बनने वाले फुट ओवर ब्रिज का काम शुरू हो गया है। कापड़ीवास गांव के पास और बनीपुर चौक के पास फ्लाईओवर बनाए जाने को लेकर भी काम कब शुरू होगा इसका इंतजार है। ITI में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 सितंबर तक। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 2020-21 के लिए ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये जानकारी प्राचार्य सुनील यादव ने देते हुए बताया कि ऑनलाइन दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 सितंबर निर्धारित की गई है। रेवाड़ी के धारोड़ा में लंबे समय से राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से दूषित पानी आ रहा है, जो स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों ने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो स्थानीय लोगों ने मानव अधिकार आयोग में शिकायत की और अब मानव अधिकार आयोग ने रेवाड़ी DC और म्यूनिसिपल कमिश्नर को इस मामले में तलब किया है। आपको बता दें कि धावड़ा नगर पालिका के सामने सेक्टर 4 स्थित ग्रीन बेल्ट और खाली जमीन पर हमेशा दूषित पानी भरा रहता है। बारिश के दिनों में ये पानी सेक्टर में घुस जाता है। यहाँ ग्रीन बेल्ट में गंदे पानी में डूबा ये पार्क और बड़ी जगह में भरा ये गंदा पानी इस बात का गवाह भी है कि समस्या कितनी बड़ी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से बार बार शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ और प्रशासनिक अधिकारी बार बार समस्या का समाधान करने के बजाय केवल आश्वासन देते रहे और दो विभागों के अधिकारी तो इस जमीन को एक दूसरे पर टाल कर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मानव अधिकार आयोग में शिकायत की और अब आयोग की तरफ से जिलाधीश और म्यूनिसिपल कमिश्नर को तलब किया गया है। अब पिछले कुछ दिनों से ना जो भिवाड़ी से जो गंदा पानी आता है वो धारा अम्बेडकर पार्क में भर जाता है और उस पार्क की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति भी गिरने के कागार पर है। वहाँ भगवान बुद्ध की भी मूर्ति है, वो भी पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। यानी कि लोगों को ना उस पार्क में जाने का मन तो तब करे जब वहाँ कुछ हो, वहाँ तो केवल गंदा पानी भरा हुआ था। इसको लेकर कई सामाजिक सेवा संस्थाओं ने भी आवाज़ उठाई
तो इसको लेकर मैंने भी नगर पालिका और हुड्डा डिपार्टमेंट को लिखा था। नगर पालिका ने तो ये जवाब दिया कि हमारा नहीं है भाई, तो सेक्टर ग्रीन बेल्ट में बना हुआ है उनका है, और सेक्टर नगर हुड्डा वालों का जवाब तो ये आया। और नगर पालिका ने यह कहा कि हम भी इस पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्रीन बेल्ट में बना हुआ है, और एक्शन ने ये कहा हुड्डा वाले ने कि भाई ये नगर पालिका के क्षेत्र में। तो ये तो बिल्कुल ही इस तरह का होगा कि ना वो अपना बता रहे ना वो अपना बता रहे, ना कोई पार्क की सुध ले रहे हैं। इसी समस्या को लेकर हमने फिर अपने मानव अधिकार आयोग चंडीगढ़ में इसको लेकर पत्र लिखा था, तो उस पर उसके चीफ जस्टिस हैं, चेयरमैन भी हैं वो एस के मित्तल जी, तो उन्होंने संज्ञान लिया है और डीसी रेवाड़ी और कमिश्नर म्यूनसिपल कमिश्नर को लिखा है कि भाई इसका समाधान आप 2 महीने के अंदर अंदर करके हमें बताएं कि क्या आपने इस पर कार्रवाई की है। तो दिक्कत तो लंबे समय से ये काफ़ी लंबे समय से पार्क बना, उस दौरान के बाद एक दीवार बनाई गई थी नगर पालिका की तरफ से, वो टूट के गिर गई है, वो तो उसको दोबारा नवनिर्माण भी नहीं करा सकते ये, क्योंकि उसका पैसा कहाँ दिखाएंगे ये, इनका है ही नहीं तो वो दिखा ही नहीं सकते उस पैसे को। तो ये समस्या है कि बहुत लंबे टाइम से समस्या है।